नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसी हैं ये महक? अच्छे हैं। अब ऊपर चाहे कैसी भी दिखें, दिल की बहुत अच्छी। अच्छा, तुमने कह दिया इनसे कि तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं? आप भी ना नागेश भाई, कमाल करते हैं। ये सब बातें कहने की होती हैं? अरे पंडित जी महाराज, यही तो बातें कहने की होती हैं। तुम्हें उससे साफ साफ कह देना चाहिए कि वो तुम्हें भैया बहुत अच्छी लगती है। अब रहने दीजिए, इतने भी बदतमीज नहीं हो गए हम यहाँ आके। Very nice. Let's take another one, okay? Awesome. These days they don't use the Western thing. Hey, how's it going? Hi, how are you? Very good. This is Miranda. She's a costume designer for the video here. Miranda, yeah. Bhai, aapse to hum milna hi chah rahe the. Bhai, kya aapne itna bada kya budget thama diya hamari company ko costumes ka? 17 lakhs, is it? No, this is too much. I mean, she's so pretty. तो बिना कपड़ों के भी अच्छी लगेंगी। भाई, this was supposed to be in good sense of humor. प्रासाब, I hope इनको बुरा नहीं लगा होगा। No, no, don't worry. She's a true professional. That's fine. Meg, do you need a break? Everyone, break. Coffee, come on. How many pictures left? You okay? Listen, I'm really proud of you. All right, shuru kare. Okay, guys, break over. नमस्ते। हाय। आपके पास पाक कला की कोई किताब है? विच वन? पाक कला। Who's the author? कोई। That's the author? नहीं नहीं नहीं, ये ऑथर का नाम नहीं है। पाक कला यानी कि खाना बनाने की विधि, कुकिंग बुक। ओके। कुकिंग। Do you have it? Yeah. इंडियन नहीं, फॉरेन। ओके, विच फॉरेन? मोरक्कन, इटालियन। नहीं रे, डिंगी जस्ट डू मी अ फेवर यार, आज तू रॉनी को बोल दे कि मैं नहीं आ पाऊँ। I'm not well, yeah. मेरी डेट शुरू हो गई है। हाँ डिंगी, पर यार सच में मेरी तबीयत खराब है। थैंक्स, चलो के बाय। तबीयत ठीक नहीं है आपकी? I'm okay. कुछ दवाई चाहिए? मैं लेके आता हूँ नीचे से। नहीं, मैं लेकर आता हूँ। थैंक यू। कल आप कब आई पता ही नहीं चला। तुम सो रहे थे। अरे तो उठा देना था, मैंने कल खाना बनाया था कॉन्टिनेंटल। सॉरी। नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है, बहुत मजा आया कल खाना बनाने में। अगर कुछ चाहिए तो मैं चाय बना रहा था। नो थैंक्स। अदरक वाली तुलसी डाल के बहुत। मैंने कहा ना थैंक यू। कल पास्ता बनाया था मैंने। तो मैं क्या करूं, पैर पड़ूं मैं तुम्हारे? तुमने खाना बनाया था, मैंने तो नहीं कहा था ना। अरे मुझे तो पता भी नहीं था, मैं काम से आई थी, मैं थकी हुई थी, तुम सो रहे थे, मैंने सोचा डिस्टर्ब नहीं करूं तुम्हें क्योंकि तुम भी थके होगे। तुम इसमें भी बदतमीजी हो गई क्या? ससुरा सारा दिन खराब हो जाता है अगर सुबह की शुरुआत झगड़े से होती। बेटा बड़े लकी हो तुम जो बिना शादीशुदा हुए भी दाम्पत्य जीवन के मजे लूट रहे हो। सुबह की शुरुआत झगड़े तब होती है जब आप शादीशुदा होते हो। मुझे कुछ नहीं समझ। अरे भैया तुम्हें तो मतलब कभी कुछ समझना होता है। अरे भाई कोई बात हो तो प्रॉब्लम समझ में आए ना। हाँ, हमें क्या नहीं होती प्रॉब्लम? मनखी तो नहीं होती ना। हाँ अब समझ में आया, उन्हें तो होता है मासिक दर्द। सॉरी। अच्छा ये बता, ऐसे ही हर महीने राशन पानी लेके चढ़ जाती है? बैंड बजाती है बेटा। खट्टी डकारे भी आ रही है, सब भी पूरा भारी हो रहा है जुकाम से, बुखार भी लग रहा है थोड़ा।
कुछ मिला जुला के दे दीजिए कुछ दवा, बहुत तकलीफ। एक सैनिटरी नैपकिन दीजिए। कौन सा वाला दिया? दे दिया सर। अरे कमाल है, दे दिया का क्या मतलब है? एक कस्टमर को यह जानने का हक होता है कि वो कौन सी चीज खरीद रहा है, समझे ना? खोल के दिखाइए कौन सा वाला दिया है। आप ही खोल के देख लीजिए ना। कौन सी कंपनी का है? अच्छी वाली दी है। देखिए मुझे मत सिखाइए, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, दिन रात यही काम करता हूँ। तो आप ही बताइए ना कौन सा देना है। गुड इवनिंग। मैं आपके लिए कुछ लेकर आया था। थैंक यू। देखिए इसका गलत मतलब मत निकालिएगा, मुझे लगा ले आना चाहिए इसीलिए ले आया, सोचा आपको जरूरत होगी, सॉरी अगर बुरा लगा। अच्छा लगा, थैंक यू। अच्छा लगा पक्का ना? हाँ री। फिर अच्छा। दिस 102 जी। महक सर, इट्स अ स्मॉल हाउस पर आप यहाँ आए। आप शक्कर कितनी लेते हैं? नो शुगर प्लीज, थैंक यू। जरा भी? यस थैंक यू। रुके। यस सर। यू रुके, और उसके बावजूद तुमने ये जरूरी नहीं समझा कि आज रिहर्सल में आ जा। नहीं सर, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जस्ट नाउ यू सेड यू ओके, व्हाट इज इट? Are you okay? Are you not okay? No, sir. But. But what, Mahek? हाँ? इसमें but कहाँ से आ गया? एक ही बात हो सकती है ना? Either you okay or you not okay. Which one is it? Come on, make up your mind, Mahek. Sorry. Sorry. My mistake. My mistake. Completely forgot. That our little Mahek is a star. No, sir, it's not that. It is exactly like that. In your little head, you're a star. Right? और इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम अब tantrum throw कर सकती हो? No, sir. No? I'm sorry. No. I'm sorry. I'm sorry I believed in you. मुझे लगा तुम special हो. But you're not. You're just like everybody else. Just plain ordinary shit. देखिए आप ठीक ठीक से बात कीजिए। विद्या प्लीज। But don't make this mistake, Mahek. तुम ये सच में believe मत करने लगना कि तुम कुछ हो, क्योंकि तुम कुछ नहीं हो। You're a nothing. I can make you something, but you're nothing. कमाल है, आप तमीज से बात। I'm not talking to you. But I am talking to you, na. And this is no way to talk to a lady. विद्या shut up. No, Mahek ji, I'm sorry. You shut up this time. आपको पता है ये बीमार है? Really? Tell me more. कौन सी टर्मिनल बीमारी है तुम्हें? कैंसर, ट्यूमर, ब्रेन हैमरेज, व्हाट इज इट? मेंस्ट्रुएशन, कॉमनली नोन एज पीरियड्स। और ऐसे में महिलाओं को कई तरह की तकलीफें होती हैं। नौजिया होता है, बॉडी पेन होता है, मूड स्विंग होता है, और ये सारी वजह बहुत है आपके काम पे नहीं आने के लिए, समझ गए ना? Thank you.
बैठे। महक, अब इनसे मिलो, ये मेरी भाभी, ये महक है और ये है नागेश। नमस्ते भाभी जी। अरे भाभी जी, दीदी है ये। थैंक यू, थैंक यू। एक मुझे भी दीजिए, सेम टू सेम। पंडित जी पूछ तो लो, क्या है ये? चिंता न करो, हाई स्कूल में पी चुके हैं हम। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। भाई वाह, क्या बात है। पंडित जी अब तुम भी सुना दो कुछ। अरे क्या बात कर रहे हैं। अरे दिखाओ अपना जलवा यार। अरे नहीं पप्पू, चल ना पप्पू सुना देना। देखिए मैडम करिए, सुना। तो ठीक है भाई, अब बाद में हमें दोष मत दीजिए। अगर कहीं मैं घोड़ा होता, वह भी लंबा चौड़ा होता, तुम्हें पीठ पर बैठा करके बहुत तेज मैं दौड़ा होता। पलक झपकते ही ले जाता दूर पहाड़ी की वादी में, बातें करता हुआ हवा से बियाबान सी आबादी में। सुबह नदी में नहा दिखाता तुमको, कैसे सूरज उगता, तीतर कैसे दौड़ लगाता, कैसे पिंडुक दाना चुगता, बगुले कैसे ध्यान लगाते, मछली शांत डोलती कैसे, और टिहरी आसमान में चक्कर काट बोलती कैसे, कैसे आते हिरनों के झुंड और नदी में पानी पीते, कैसे छोड़ निशा पैर के जाते हैं जंगल में चीते। ढोल ढमाढम झांझ झमाझम रात नाच गाने में कट्टी, हरे भरे जंगल में तुम्हें दिखाता कितनी मस्ती कटती, मैं पैर पटकता हिन हिन करता, तुम हंसते और खुश होते, कितनी नकली अपनी दुनिया यह कहते और फिर सोते। ऊपर देख मेरी तो, पता है तू डांसर बहुत बुरा है। जी पता है, पर बाकी सब बहुत अच्छा करता है। थैंक यू। सो आई नो my guy to talk to you for a minute. जल्दी करो भाई। Sure. Get in mind. हमें लग रहा था कि आप यहीं आएंगे। सब ठीक है ना महक? आपके पलास साहब ने कुछ कहा आपसे? देखिए माना कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि बड़े आदमी जो भी कहें वो सही ही हो।
वो गलत भी तो हो सकते हैं। पलाश ठीक कहता है, मुझ में वो बात नहीं है। मैं अभी भी आम लड़कियों की तरह बिहेव करती हूँ। कामयाब होना क्या इतना जरूरी है जीवन में? मेरे लिए है। मैं सब कुछ छोड़कर आई हूं। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है मेरे लिए? दो दिन के बाद मेरी जिंदगी की कामयाबी का सबसे बड़ा दिन होगा और मैं अकेली होंगी, ना मां होंगी और ना पापा। लेकिन मुझे करना होगा, अपने आप को प्रूव करने के लिए करना होगा। और जब मेरा नाम होगा ना, तब पापा बोलेंगे कि ये मेरी बेटी है। खैर छोड़ो, जो रिलीज हुआ है ऐसे 9 गाने और रिलीज होने वाले हैं, ये बहुत बड़ा इवेंट है। आइए देखते हैं। आ गया तू? हाँ। गिफ्ट लाया मेरा? लाया ना। इन्होंने फोन किया, कहा कि मुझे यहाँ आना चाहिए, मेरी बेटी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। घर में भी सबने जोर दिया, आई मना ली तुझी, काही का से ना अपनी मुलगी है, उसकी खुशी में हमें शामिल होना चाहिए। ये है खुशी। याच्यासाठी घर सोडलंस तू? हे शिकवलं मी, हे असले संस्कार केले तुझ्यावर। मालवडे साहब, काय ग? बोल की ग, घर में क्या जवाब दूंगा मैं? ये है हमारी मैक जो खुलेआम नाचती है कपड़े उतार के। चालेल का तुला? प्लीज गो आउट, प्लीज एवरीवन गो आउट, बास नेक्स्ट रखें प्लीज। थैंक यू। हेलो सर, सर अगर आप शूटिंग देखना चाहते हैं तो कम दिस में। महक, मालवीर साहब प्लीज एक मिनट। स्टार्ट शूटिंग इन 5 मिनट्स। यस सर। इट बी रेडी। चलिए।
बहुत समझाने की कोशिश की आपके पिताजी को, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। मुझ पे भी झल्ला उठे, लेकिन मैं समझ सकता हूं उनके दर्द को। होता है भाई, आखिर कौन बाप चाहेगा अपनी बेटी को ऐसी हालत। आपको भी बात करनी चाहिए थी उनसे, आखिर पिताजी हैं आपके, आपने उन्हें समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? समझते वो, देखिए वो मिडिल क्लास आदमी हैं, छोटे शहर से हैं, उनका अपना समाज है, संस्कार है, बिरादरी है, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, नाते रिश्तेदार हैं, सबको जवाब तो उन्हें देना पड़ता है ना। क्या कि उनकी लड़की आर्टिस्ट है? नहीं, आपकी बात सही है, ठीक कह रही हैं आप, लेकिन समाज को छोड़ के रह भी तो नहीं सकता ना इंसान। पलाश ठीक ही कहता है। All you guys, forget it. देखिए मैं नहीं जानता कि ये पलाश साहब क्या कहते हैं, लेकिन आप गलत समझ रहे हैं। असल जिंदगी स्टूडियो के चार दीवारी के अंदर नहीं होती, समझ रही हैं? तो गया क्यों था बाबा को बुलाने? किसने भेजा था तुझे वहां पे? वो तेरे बाबा है या मेरे? किसने कहा था तुझे उन्हें बुलाने को? तू होता कौन है मेरे लिए डिसीजन लेने वाला? और तू बहुत बात करता है ना फैमिली की, संस्कार की, समाज की। तू आया क्यों है यहाँ मुंबई में? जाता क्यों नहीं अपने शहर वापस? तुझे तो मालूम है ना असली जिंदगी कहाँ है, तो जाना वापस। कर क्या रहा है तू यहाँ पे? I'm sorry. तेरा घर और as usual तुझे ही गालियां पड़ती हैं, पर कल से नहीं होगा। मैं जा रही हूँ, and I hope जाने से पहले मुझे तेरी शक्ल न।